एक्सक्यूज मी, आप दोनों को ना नीचे बुला रहे हैं, वो सबको बताना है कि किसकी प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, कब कहाँ क्या सर्व करना है, तो अर्जेंटली बुला रहे हैं। अब जब प्रीता काढ़ा बनाने आएगी ना, तो काढ़ा तो नहीं बना पाएगी, लेकिन जल जरूर जाएगी। मतलब जो ये ब्लास्ट होगा उसमें वो मरेगी नहीं, थोड़ी सी जलेगी। फिर क्या होगा, लूथरस डॉक्टर को बुलाएंगे, और जैसे ही डॉक्टर आएगा उसे चेक करेगा, तो लूथरस बोलेंगे बच्चा कैसे, बच्चे को तो कुछ हुआ, बच्चे का ध्यान रखना। डॉक्टर बोलेगा कौन सा बच्चा, प्रीता तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। और उसके बाद पूरा लूथरा परिवार प्रीता को धिक्कारेगा कि उसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला सबसे। गॉड, यहाँ पे तो बहुत स्मेल आ रही गैस की, अब क्या करूं, प्रीता तो आधी समझ जाएगी कि गैस लीक हो रही है, क्या करूं। फ्रेश ना, परफेक्ट, एयर फ्रेशनर की स्मेल से ना गैस की स्मेल थोड़ी दब जाएगी और प्रीता को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। गॉड शर्लिन, जल्दी चलने तो प्रीता आती होगी। सैम, सैम, सैम। हाँ हाँ हाँ, गुस्सा गुस्सा शांत हो गया। कौन सा गुस्सा, कैसा गुस्सा? ओ, वो अनन्य वाला गुस्सा। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बोलने वाली, यू नो, गुस्सा करना बनता ही नहीं है। मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे कोई नॉनसेंस टॉक करने नहीं आई हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने आई हूँ तुम्हें। फिर बता दो वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। सैमी, यहाँ है ना बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ चल रही है मतलब, क्या गड़बड़? कोने में चलो, बताती हूँ। अरे चलो यार, ये मेहंदी के डिजाइन्स प्रीता को दिखाती हूँ, वही बताएगी कि कौन से लगाने हैं। सोनाक्षी, हाँ, कहाँ जा रही हो? किचन में। अब प्रीता से मिलने? हाँ, ये मेहंदी के डिजाइन दिखाने थे उसे। लेकिन प्रीता नहीं है वहाँ पर। अरे नहीं नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे ना, तो तुम्हारी नजर नहीं पड़ी होगी, वो वहीं गई है, उसे काढ़ा बनाना था, मैं उससे मिलती हूँ। सोनाक्षी, किचन में कोई भी नहीं है, सारे वेटर्स को नीचे बुला लिया ना ये बताने के लिए कि किसको कहाँ क्या सर्व करना है, मेहंदी शुरू होने वाली है ना। अच्छा, चलो, बट अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या पता मिल जाए, है ना। हेलो, हेलो, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है, किचन एरिया है ना, तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या, चेक करो। नहीं सॉरी, एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं पहले फोन कर लेती हूँ फिर जाती हूँ। परफेक्ट। ये लोग बिना कभी भी मुंह उठा के कहीं भी चले आते हैं, मैं काम करती हूँ यहीं छिप जाती हूँ, सो दैट कोई भी किचन में अगर गया तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसे रोक लूंगी। किचन में सिर्फ प्रीता को जाना है। हेलो करीना। हेलो आंटी। हेलो, कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हो? ठीक, थैंक यू। एक मिनट। हाँ हेलो, अरे रुबीना तुम कहाँ हो? अरे हम होटल रूम में नहीं है, हम विला में है। हाँ हाँ, सीधा रास्ता लो। हाँ मेहंदी वाली है, रास्ता भूल गई है। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर ले आती हूँ, नहीं तो कहीं और विला में चली गई तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए मां, आप बैठिए। वनिता दी, हाय। हाय करीना मैम। वो वनिता दी, आपने सोनाक्षी को कहीं देखा है क्या? हाँ पुत्र, मैंने अभी अभी देखा उसे, कपड़े वगैरह कुछ लेके जा रही थी। पर क्या हुआ, तो उसे क्यों ढूंढ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सृष्टि, ये लूथरा हाउस नहीं है, जहाँ जब तुम्हारा दिल करे आ जाओ, किसी भी कमरे में चली जाओ और कोई भी तुमसे कुछ ना कहे। करीना, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है। मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ मॉम, I'm sure इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। तो कर लो बात, किसी के लिए अच्छा सोचना भी गुनाह हो गया। देखा, किसी के बारे में सोची क्यों रही हो तुम? फंक्शन में आई हो, एंजॉय करो फंक्शन और घर चली जाओ। कुछ बातें अच्छी तरह से समझ लो, तुम यहाँ अनइनवाइटेड आई हो, हमारी मेहमान बन के आई हो। और तुम्हें याद है ना, हम लूथरास हैं, हमारा क्लास है, हमारा नाम है सोसाइटी में, तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमें एम्बैरेस होना पड़े। ये कुछ नहीं करेगी, मैं बता रही हूँ, टेंशन मत कर, कुछ करेगी पुत्र। नहीं देखा, नहीं टेंशन मत कर। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ?
अगर ऐसा क्या बात है करीना, क्यों डांट रही है इसे? ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, कितनी अच्छी है, हर पल हंसती रहती है, मजाक मस्ती करती है, बिल्कुल बिंदास है। सच में सच कहूँ तो इसके आने से रौनक बढ़ गई है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे जानना तो दूर, आप तो अब तक मुझसे मिली भी नहीं है। और आपने बेटा कल रात को तुम्हें कोई फोन आया था ना, रिसीव क्यों नहीं किया? वो फोन मेरे बेटे रजत का था, करण ने तुम्हारा नंबर दिया था और कहा था अगर सोना का दिल जीतना है तो उसे तुम्हारी मदद लेनी होगी। वो क्या है ना कि ये अरेंज मैरिज है, तो हम ये चाहते थे कि अरेंज मैरिज में प्यार शार हो जाए तो उसकी रौनक ही अलग है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि सोना और रजत एक दूसरे से मिले, उन दोनों के बीच में प्यार, और प्यार वाली शादी का तो मजा ही अलग है ना। और करण ने रजत को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम्हें सृष्टि हो। मेहंदी वाली रुबीना आ गई, आओ रुबीना। इनकी बात को सीरियसली मत लेना, she was just trying to be nice. अगर इस फंक्शन में कोई भी ड्रामा किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। करीना आंटी आइए ना। क्या हुआ? ये रजत की मम्मा कितनी स्वीट है, मतलब कितनी अच्छे से बात की उन्होंने, मेरी तारीफ की है, इतने प्यार से बात की, लेकिन वो कॉरिडोर में मैंने जो भी सुना, यार ये आंटी ने तो मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया यार। सृष्टि खुद पर ही सवाल उठ गया ना, जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा। रिलैक्स, आई शुड रिलैक्स, मैं जाके फ्रेश हो गया। बाय द वे, क्या हुआ? मुझसे ना ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ बातें करनी है ना तुम्हारी वो नई फ्रेंड अनन्या के साथ करना है बातें, ठीक है? इनफैक्ट तुम्हें अब जो भी कुछ करना है ना वो उसी के साथ करना, ओके? हाँ, इसको टेबल पर और ठीक से लगाना, नीट लगना चाहिए। ये फ्लावर्स ठीक लग रहे हैं क्या? वो यहाँ थोड़ी लग रहा है ये। अनन्या हाय, यहाँ पर किचन कहाँ है? आपको कुछ चाहिए मैम, मैं ले आऊँ? नहीं नहीं, आई विल मैनेज, मुझे खुद ही काम है। किस तरफ किचन है बस ये बता दीजिए। वही पर है। ओके, थैंक यू। हेलो, यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई होता तो कम से कम बता देता कि मसाले कहाँ रखे, बार बार ही पड़े हैं। पैन, प्रीता आज किचन में तुम क्या कुछ बनाओ, मैंने ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना रखा है, अब आएगा मजा। अब होगा ब्लास्ट, द काउंटडाउन बिगिंस नाउ, 1 2। हाँ सोना बोलो। कि सोनाक्षी को भी अभी फोन करना था, मेरे पूरे प्लान की प्लांट बचा दी इसने। हाँ प्रीता, प्रीता कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है पहले तो मेरे हाथ में सिर्फ ये मेहंदी के डिजाइन की बुकलेट थी, मुझे तुमसे पूछना था कि कौन सा डिजाइन लगाऊं, लेकिन अब तो मेरे हाथ में ये मेहंदी की ड्रेसेस और साथ में ये मेहंदी की डिजाइन की बुकलेट भी है, मुझे तुमसे पूछना है कि कौन सी ड्रेस पहनूं और कौन सा डिजाइन लगाऊं, कहाँ हो तुम? इतनी टेंशन मत लो, मैं इधर किचन में ही हूँ, तुम किचन में आ जाओ, यहाँ मुझे दिखा दो, मैं यहीं से बता दूंगी तुम्हें कौन सा करो, ठीक है? किचन में हो? हाँ किचन में हूँ, जल्दी आ जाओ। ओके मैं आती हूँ। शॉलिन ने कहा कि वहाँ पर कोई नहीं है और प्रीता कह रही है कि वो किचन में है। बहुत कंफ्यूजन है। एनीवे प्रीता, आई एम कमिंग। प्रीता,
ये कैसे हो गया? I think gas. अरे तुम फास्ट में जाओ। चलो किचन से बाहर निकलो। प्रीता तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा आग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सोना। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई। एक ही तो स्टोव ऑन करा था मैंने। प्रीता डोंट माइंड, पर आई थिंक कोई जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। What? मुझे कौन चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? क्या जरूरत है सोनाक्षी को वहां पर आने की? मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। हेलो, कौन है वहां पर? कौन है? अरे ऐसा कैसे? यहां तो शर्ली थी। हाँ शर्ली नहीं थी, और कोई उसे यहां से खींच के लेके जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं। यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही। मुझे तो पूरा शक है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, पर ये शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि होने वाले दूल्हे का कोई ना कोई तो ऐसा राज है जो सबसे छुपा हुआ है। और लेकिन ये क्या राज हो सकता है? मैं किसको जाऊं, किसको पूछूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं फैमिली और पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। करण, करण, यहां से अभी अभी कोई शर्लिन को खींच के लेके जा रहा था। क्या? हाँ देखते हैं। चाचा जी, ये चाचा ही चूचू का सारा मुरब्बा सामने ला सकते हैं। सुना है छोटे शहर से है, गांव के हैं। गांव के लोग तो बड़े सीधे साधे होते हैं। शायद मेरी जलेबी टाइप गोल गोल बातों में आ जाए और रजत के पास्ट के बारे में मुझे बता दे। ट्राई करने में क्या जाता है? ट्राई करती हूँ। अंकल जी, आपके पास 2 मिनट है, आपसे कुछ बात करनी है। है? ये गांव के चाचा तो शहर के चाचा से भी ज्यादा फास्ट है। ये बिना कुछ बोले मुंह हिला के चले गए। अरे यार, इतना पेट दुख रहा है, किससे शेयर करूं, किससे पूछूं? हे भगवान जी, प्लीज मदद कर देना, ये मेरे दिमाग में इतना किच। सृष्टि, की बड़बड़ बढ़ा रही है, क्या हो गया? अब क्या कहती? यहाँ पे ना बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अच्छा अच्छा। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या? अच्छा अच्छा, अरे जानना नहीं है क्या कौन सी गड़बड़ की बात कर रही हूँ मैं? सृष्टि, तेरी मेरी जोड़ी ऐसी है जो बिना पूछे सारी बात बता देती है। बोल क्या बात? अरे जानकी आंटी, मुझे ना किसका फोन आ रहा है, काटो ना यार। किसका? बेंजी का फोन है। अरे दूंगी, काट सकती है। अरे लाओ, काटो फोन। अरे डांट खानी है क्या आपको मम्मा से? एक तो वैसे ही उनको बिना बताए घर से बाहर निकले, डांट ही देने के लिए फोन कर रहे होंगे, और क्या। अरे हो सकता है कोई और गल करनी हो। शर्त लगा लो, वो जो आपने खत छोड़े थे ना, लव लेटर, और जो बिना बोल के घर से बाहर निकले, बस उसी के लिए मम्मा फोन कर रहे होंगे। सट्टेबाजी करने लगी है। सट्टेबाजी नहीं कर रही हूँ जानकी आंटी, मेरे बाल मत खराब करो। ठीक है, आपको मम्मा की डांट खानी है ना, ठीक है, वीडियो कॉल करते हैं ना। अरे इसमें तो एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस भी नहीं दिखेंगे, वीडियो कॉल में बराबर दिखेंगे। अच्छे से डांट खाना, ओके? अभी क्या, अभी मम्मा को फोन करती हूँ। हाय माँ। क्या कर रहे थे तुम दोनों? पंची, ये जो लंबू है ना, ये बिल्कुल बिगड़ गई है, अब हम दोनों को ना इसको सुधारना होगा। अच्छा सुनो, चुपचाप, हाँ, बिना झगड़े मेरी 2 मिनट बात सुन लो। मामा, मामा, आपको जो भी बात करनी है ना, आपको
जो भी डांट देनी है वो प्लीज आप जान के आंटी को दीजिए, क्योंकि देखो मैं तो छोटी हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ, हॉर्मोन्स अंदर चेंज हो रहे हैं, उछल रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी जिद जिद्दी बन जाती हूँ। लेकिन जान के आंटी तो समझदार है ना, मतलब इनको मुझसे ज्यादा समझ है, ये उम्र में भी बड़ी है। जब मैं लोनावला के लिए निकल रही थी तो जानकी आंटी ने मुझे रोका तक नहीं, इनफैक्ट ये खुद मेरे साथ लोनावला आ गई। तो आपको जो भी डांट देनी है ना प्लीज जानकी आंटी को दीजिए, ओके? ओए लंबू, ओ तूने और कितना बड़ा होना है। सृष्टि, मम्मा कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी। मेरी बात तो सुन लो, दो मिनट शांति से मेरी बात सुनेगी। क्या हुआ मम्मा, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? तूने जो कारस्तानी की है ना उनको बैठे बैठा टेंशन दे दी है जी। और आप पूछ रही है क्या टेंशन में क्यों? चुप कर। वो मुझे टेंशन नहीं दे रही है, मुझे बस दिख तू ना वहां गई है ना तो प्रीता के आसपास ही रहना। इस समय हो सकता है कि उसे कुछ बात करने का मन करे, उसे कुछ खाने का मन करे जो वो किसी को नहीं कह पा रही है। ऐसा होता है जब लड़की माँ बनने वाली होती है ना तो ऐसा होने लगता है। तो तू आसपास रहेगी ना तो वो तुझसे बात कर सकती है, उसके आसपास ही रहना, उसे खुश रखना, देखना कि वो ऐसे ही किसी बात पे बस रोने ना लग जाए, परेशान ना हो जाए, ठीक है? Of course, माँ, दी के साथ रहने के लिए तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? सृष्टि वो बहन जी, अगर फिक्र वाली बात है तो आप क्यों नहीं यहाँ आ जाते? अरे बच्ची को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। शालिन, शालिन, माँ लगता है कुछ हुआ है, मैं बाद में बात करती हूँ। सृष्टि एक भी मेरी बात सुन। शालिन, करण जी जो क्या हुआ? तुम लोगों ने शालिन को कहीं देखा? नहीं नहीं, तो रजत ने देखा कि शालिन को कोई घसीट के बाहर लेके जा रहा है। रजत तुम पुलिस को फोन कर। नहीं बुआ, अभी नहीं, पुलिस को अभी नहीं बुलाते, एक काम करते हैं रिजॉर्ट में चेक करते हैं, क्या पता यहीं कहीं आसपास हो। हाँ तू एक काम कर, तू जाके डाइनिंग एरिया में देख। आंटी आप जाके वहां देखिए जहां मेहंदी लगने वाली। तो इतनी बड़ी जगह है, मुझे तो पता ही नहीं कितों निकलना है तो कितों जाना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहां जाके देखती हूँ जहां लास्ट टाइम रजत ने शालिन को देखा। हाँ रजत तू इस तरफ देख, मैं इधर देखता हूँ, बाद में सब लोग यहीं मिलेंगे। ओके ओके, मैं आपके साथ चलती हूँ। कमाल है, ये शालिन को घसीट के कौन लेके जा रहा है, और उसको कोई उठा के लेकर भी क्यों जाएगा? कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जंगली बिल्ली मायरा हो, क्योंकि शालिन ने तो उसका काम तमाम कर दिया था ना लूथरा हाउस में, तो बदला लेने के लिए उसने शायद शालिन को किडनैप कर लिया होगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? आज मेरी सोना को सबसे अच्छी मेहंदी लगाना, ताकि सब लोग देखते रह जाए। मैं सोना को लेके आती हूँ। शालिन तो यहाँ भी नहीं है, लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा। लेकिन करीना जी, पुलिस को ये भी बताना पड़ेगा कि शालिन गायब है, अब उसको कोई उठा के ले गया या वो खुद से गई। सानू की पता? Just shut up. मेरी एक बात समझ में नहीं आती, सला अरुणा ने तुम्हें इतना सिर पे क्यों बिठा रखा है? खुद तो तुम उसकी नौकरानी ना, लेकिन उसने ऐसा किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ प्यार से बात करूं। मेरे लिए तुम नौकरानी हो और नौकरानी रहोगी। इसीलिए तो सला बहन जी ना मेरी मेम साहब नहीं है, मेरी बहन जी है, और आप सिर्फ करण की बुआ। गॉड, आई जस्ट डोंट बिलीव यू। सानू कौन सा शौक है आपसे बात करने का? ठीक है सोना, इतना भी जोर से नहीं लगा है। अरे क्या ठीक है, ये देखो ना जख्म हुआ है, चोट लगी है तुम्हें। अरे हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि उस वक्त किचन में और कोई नहीं था, किसी को बहुत जोर से भी लग सकती थी पता है। प्रीता, अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम,
चोट तुम्हें लगी है और तुम अभी भी उनके बारे में सोच रही हो जो वहां पर थे भी नहीं। मतलब तुम्हारा दर्द दर्द नहीं है क्या? बस अगर फैमिली वालों को तकलीफ होगी तभी तुम्हें दर्द होगा। पहले मुझे लगता था कि मेरी बहन सृष्टि ही एक सिंगल पीस है दुनिया, लेकिन अब तुमसे मिली हूँ तो तुम भी कोई कम पागल नहीं हो। I'm sorry, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अभी अभी मैं तुमसे मिली हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में एक राय बना ली। आप वैसे ही कह रही थी। देखो, शादी के बाद ना लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। अब तुम्हारी शादी जब रजत से हो जाएगी ना, फिर तुम्हें समझ आएगी कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, मुझे सबकी चिंता क्यों है, सबके बारे में इतनी फिक्र क्यों करती हूँ, अपने से ज्यादा सबको क्यों प्यार करती हूँ। क्योंकि जब शादी हो जाती है ना, तो तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुम्हारे मायके वाले नहीं रहते, बहुत बढ़ जाती है। फिर तुम्हारे पति की फैमिली भी तुम्हारी फैमिली होती है, उनके बारे में भी तुम्हें बहुत चिंता होती है, सबकी फिक्र होती है। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तुम्हारे साथ तो एक और चीज होगी, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो इस वक्त नहीं है, और वो है माँ। और रजत, वो भी शादी के बाद सिर्फ हस्बैंड नहीं रहने वाला है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट कंपेनियन। देखना कैसे लाइफ चेंज होगी। प्रीता, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें क्यों चोट पहुंचाना चाहता है?